मैं हूं अदिति और आज जिस शो का रिव्यू मैं करने वाली हूं वो है Z5 की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन कबूल है 2.0 स्टारिंग करण सिंह ग्रोवर एंड सुरभि ज्योति। अब इस शो का जो ओरिजिनल वर्जन था जिसमें यही दोनों एक्टर्स लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे जो कि जी टीवी पर एयर होता था कई सालों पहले, मैंने वो नहीं देखा तो इसलिए मेरे लिए जो इसका 2.0 वर्जन है वो है एक फ्रेश टेक ऑन देयर लव स्टोरी बिटवीन द सेंट्रल कैरेक्टर्स असद एंड जोया। और इनके जेन्युइन एफर्ट्स, इनके जो सिंसियर एफर्ट्स हैं वो पूरी वेब सीरीज में आपको देखने मिलेंगे। दैट यू नो दे आर एट इट ट्राइंग टू यू नो एंटरटेन देयर फैंस वंस अगेन विद देयर सिजलिंग हॉट केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप शो पर से की बात करेंगे तो वो मुझे टॉप नॉच तो नहीं लगा बट स्टिल इट विल मैनेज टू एंटरटेन यू एट मेनी लेवल्स। आप जिस तरह से मेरी तरफ देखते हैं ना, अल्लाह मियां मैं भूल ही जाती हूँ मुझे बात क्या करनी है। यही है वो पल। शाहरुख की आपको जाना कहाँ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान। कबूल है 2.0 का प्लॉट बेस्ड है इंडो पाकिस्तान लव स्टोरी पर टॉप्ड विद स्पाई ड्रामा एंड सम रियली एस्थेटिक शॉट्स। इस कहानी की शुरुआत होती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ असद एंड जोयास कैरेक्टर्स इन सर्बिया। अब जो असद हैं वो है एक इंडियन शार्प शूटर और वो पहुंचे हैं सर्बिया फॉर अ ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट, और जो हमारी जोया है वो वहां पे हैं बिकॉज हो रही है उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग। लेकिन जोया नहीं करना चाहती हैं ये शादी और इसीलिए वो वहां से भाग जाती हैं। एंड नाउ दीज टू कैरेक्टर्स बम्प इन टू ईच अदर इन सर्बिया एंड फिर आगे ये स्टोरी अनफोल्ड होती है कैसे यू नो द फेट वुड हैव इट और शुड आई से द राइटर वुड हैव इट की सिचुएशंस इन दोनों को साथ लाती रहती है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है इस्लामाबाद पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स रिवील होते हैं। इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लुक एंड फील। अ फ्यू शॉट्स विच हैव बीन टेकन इन सर्बिया स्पेशली जहाँ सुरभि ज्योति अपनी ब्राइडल एंट्री कर रही हैं एंड अ फ्यू मोर दे आर जस्ट टू पिक्चर्स क्यूट। इसके अलावा भी जितने भी फ्रेमिंग है थ्रू आउट द वेब सीरीज काफ़ी बड़ी हैं टू लुक एट एंड दे ऑल हैव बीन सेट क्वाइट एस्थेटिकली। जो हमारे लीड एक्टर्स हैं करण सिंह ग्रोवर एंड सुरभि ज्योति, इन दोनों की ही स्टाइलिंग है टॉप क्लास। मैं कहूँगी कि सुरभि स्पेशली लग रही हैं काफ़ी स्टनिंग थ्रू आउट द वेब सीरीज। आई लव हर हेयर डू एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वेब सीरीज में जो भी उन्होंने यू नो पाकिस्तानी अटायर पहना है विद यू नो लूज कुर्तीज एंड दोज वेल कर्ल्ड हेयर एंड हर ज्वेलरी, शी इज लुकिंग एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। अब बात करें इस वेब शो के स्टोरी लाइन की तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है एंड द आइडिया ऑफ इंटरवीनिंग द लव स्टोरी विद क्रॉस बॉर्डर स्पाई ड्रामा वर्क्स वेल क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है शो में। इसमें कुल मिलाकर 10 एपिसोड हैं एंड द लास्ट वन एंड्स एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे सुरभि ज्योति को लेना है एक अहम फैसला एंड दैट गिव्स अवे टू सीजन 2। जोया, इसी ने हमारे अब्बू को मारा है। तुम अगर साथ हो मुझे हर कयामत। चलिए शो के गुड पॉइंट्स तो हो गए, अब थोड़े हिचेस की बात करें तो सबसे बड़ा हिच मुझे इस शो में लगा इसका डायरेक्शन। काफ़ी लूज एंड्स थे और काफ़ी लूप होल्स भी थे। फॉर एग्जांपल इसमें एक डेड मैन को दिखाया गया है, उनका क्लोजअप शॉट लिया गया है लेकिन वेरी क्लियरली उनका जो अब्डोमेन का राइज एंड फॉल है बिकॉज ऑफ हिज ब्रीदिंग काफ़ी ऑब्वियस है एंड इट स्टेयर्स राइट इनटू योर फेस। फिर एक जगह दिखाया गया है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर बहुत ही कैजुअली उनके घर पर अटैक हो जाता है और वो पूरा जो शूटिंग का सीक्वेंस है वो काफ़ी अमेच्योर लगा मुझे। इसके अलावा जो थोड़े बहुत सब प्लॉट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं आई थिंक उन्हें चक किया जा सकता था और अगर वो नहीं भी होते तो भी वेब सीरीज को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी वुड हैव गॉन अहेड अदरवाइज टू। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट करण सिंह ग्रोवर एंड सुरभि ज्योति's परफॉर्मेंसेस, वेल मेरा पिक रहेंगी सुरभि क्योंकि मुझे उनका काम काफ़ी पसंद आया। हाउएवर इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी क्रैकलिंग और हॉट थी। मुझे लगता है कि जो उन्होंने ओरिजिनल कबूल है में अपनी केमिस्ट्री को क्रिएट किया था उसे काफ़ी हद तक मेंटेन किया है इस शो में भी आफ्टर सो मेनी इयर्स। बाकी जो करण का कैरेक्टर है वो काफ़ी सूट कर रहे हैं इस रोल में, ही इज प्लेइंग अ शार्प शूटर, उन्हें OCD है एंड ही इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन। लेकिन मुझे लगता है कि करण काफ़ी जगह अपनी डायलॉग डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ही वॉज क्वाइट अनक्लियर एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस।
जो उनकी बॉडी में स्टिफनेस है, यू नो ही कैन गेट अवे विद दैट टू, एंड जो फेशियल मसल्स हैं उसको भी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. सुरभि इस शो की जान है. शी हैज़ इन्फ्यूज्ड अ लॉट ऑफ लाइफ इन टू द शो. इनफैक्ट मुझे कई जगह लगा दैट यू नो शी वॉज रिमाइंडिंग मी ऑफ करीना कपूर फ्रॉम जब वी मेट एंड अनुष्का शर्मा फ्रॉम ए दिल है मुश्किल. जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है काफ़ी यू नो काफ़ी ऑन पॉइंट थी. In fact, you know, whenever she was coming on the screen, she was just lighting up the entire frame. Zoya Farooqi. Karan aur Surbhi ke alawa, is show mein ek important role play kar rahi hai Mandira Bedi. Although she has given her 100% and she has acted quite well, lekin I wish ki unke character ko thoda less gimmicky way mein sketch kiya jata. Overall, Kabool hai 2.0 hai ek great treat for those fans jo ki itne saalon se wait kar rahe the Asad aur Zoya ko ek baar phir saath mein dekhne ka. Lekin jo meri tarah hain aur is show ko pehli baar dekh rahe hain, you may find a lot of down points and loopholes, lekin main phir bhi kahungi that it is a good effort in depicting a love story with cross-border spy drama. I will give it 3 stars and say it is binge-worthy. This is Aditi signing off. Until next week.